thank you the सो so, यार भाई लोग आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग वाली क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग कम्पेज करने वाले ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के प्राइस में आने वाले दो ऐसे एकदम बीस लेवल के गेमिंग स्मार्टफोन के बीच में जो कि कंपेटरली लगभग आपको सिमिलर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देते हैं जी एग्स आज की वीडियो में हम लोग कंपेज करने वाले पोको एक्सी प्रो वर्स आईक्यू जी थ्री फाइव जी के बीच में जी ये दोनों के दोनों स्मार्टफोन आपको ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे और लिटरली आपको पोको एक्स प्रो देखने को मिल जाएगा लगभग अठारह से उन्नीस हजार रुपये के प्राइस रेंज में अगर आप ऑफर लगाते तो आपका आई क्यू जी थ्री भी सत्रह हजार या फिर अठारह हजार रुपये के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा तो इसी कारण से जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भाई अगर हमें इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन चूज करना रहा गेमिंग के लिए तो हमें कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए कहीं हम कोई एक स्मार्टफोन बाय करके गलती तो नहीं कर देंगे स्मार्टफोन स्मार्ट चूज करना चाहिए और कौन सा स्मार्टफोन आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड इसी कारण से वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तो चलिए बिना किसी तरीके हमारी आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते फिल्म पोको एक्स थ्री प्रो वर्स आईक्यू जी थ्री फाइव जी के बीच में इस स्पेसिफिकेशन वाइस कर लेते हैं तो अभी इजिली कंपेयर कर सकते हैं आप मिलती है डिस्प्ले की बात करते तो दोनों में ही आप आपको आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद एफ एस डी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में जी यहाँ पे आपको दोनों में ही आईपीएस डिस्प्ले देखने को मिलता है और दोनों में ही वन ट्वेंटी का रिफरसिंग रेट भी देखने को मिलता है लेकिन बात आती है

जी आपको आईजी की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है ये बेनिफिट अलग रखते हैं तो यहाँ पे क्लियरली निकल के आता है पोको प्रो स्पेसिफिकेशन के मामले में लेकिन परफॉर्मेंस में कौन सा विनर निकल के आता है ये इंटरेस्टिंग बन जाता है तो गाइस इसी कारण से हम इस तरह को अब रखते है पे, हैं साइड पर और आ जाते हैं हमारे एक्चुअल गेमिंग रिव्यू पे तो लिटरली हम इन दोनों में टेस्ट करने वाले पबजी मोबाइल को और सबसे पहले बात करते हैं पोको एक्सी प्रो के बारे में कि वहां पर आपको पब्जी मोबाइल में क्या ग्राफिक्स देखने को मिलती है और किस टाइप की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है तो बात करते हैं पोको एक्सी प्रो के ग्राफिक्स के बारे में तो पे आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है स्मूथ में एक्सट्रीम बैलेंस में एक्सट्रीम एच में एक्सट्रीम एन एच में भी आप इस फोन में एक्सट्रीम ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे और अल्ट्रा एच में भी आप में आप फिलहाल अल्ट्रा ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे जितनी पब्जी वाला ग्राफिक्स प्रोवाइड करके देता है ये फोन उतने हाइस्ट ग्राफिक्स सपोर्टेबल है और वही आईक्यू जित्र फाइव जी के ग्राफिक्स के बारे में बात करते हैं तो पे आपको स्मूथ में एक्सट्रीम देखने को मिल जाएगा लेकिन वहां आपको बैलेंस में अल्ट्रा एच में अल्ट्रा एन एच डी में भी आप आपको फोन में अल्ट्रा ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे अल्ट्रा एच वो फोन सपोर्टेबल नहीं है यानी ग्राफिक्स के मामले में या फिर क्लियरली मैंने निकल के आता है पोको एक्स प्रो एन ऑब

क्योंकि हम सभी को बता है कि यार वहां पे होता है असली टेस्ट क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमीज जो है वो एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहां पे इंटेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है और इसी टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े फोन जो है वो फ्रेम की फ्लक्चुएशन करते हैं तो इसी कारण से जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भाई इन दोनों स्मार्टफोन में से आपको कौन सा ऐसा स्मार्टफोन है, है जिसमें आपको फ्रेम की फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी तो अगर सबसे पहले बात करते हैं पो एक्स थ्री प्रो के बारे में तो अगर आप पोको एक्स थ्री प्रो के साथ बोट कैम करोगे और जब आप प्लेन से जंप करोगे तो उस टाइम पे तो आपको फोर्टी सेवन फोर्टी फाइव पेज तक का ड्रॉप देखने को मिल जाएगा लेकिन अच्छी बात है कि वो फटाक से रिक

से डेढ़ घंटे गेमिंग करोगे तो उसमें भी आपको 45, 46 डिग्री दे तो सेल्सियस आप वाले वाला देखने को मिलता है लेकिन आप डेफिनेटली ले अच्छी देखने को मिलती है, पोको प्रो में तो बात करते के बारे में भाई इन दोनों स्मार्टफोन में से हमको कौन सा स्मार्टफोन चूज करना चाहिए गेमिंग के लिए

bye